कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, चर्चा करता हूँ महामृत्युंजय मंत्र का प्रमाणिक प्रभाव दर्शाने वाली एक प्राचीन और धार्मिक कथा। इस कथा के अनुसार बड़ी तपस्या से ऋषि मृकंड के पुत्र हुआ, किंतु ज्योतिषियों ने उस शिशु के लिए कम उम्र बताई, जिससे ऋषि को चिंता हुई कि ये बालक अल्पायु है, इसकी आयु केवल 12 वर्ष है। मृकंड ऋषि ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया, देवी चिंता मत करो, विधाता जीवन के कर्मानुसार ही फल देते हैं, किंतु मेरे स्वामी सामर्थ है, भाग्य लिपि को स्वेच्छानुसार परिवर्तित कर देना, भगवान शिव के लिए विनोद मात्र। ऋषि मार्कंड बढ़ने लगे, सहसव बीता, कुमारावस्था प्रारंभ हुई। पिता ने शिव मंत्र की दीक्षा दी, शिवार्चना की, पुत्र ने उस मंत्र को जपना प्रारंभ किया, उसे मृत्यु से बचना। माता पिता ने ये प्रार्थना की कि किसी तरह से हमारा ये पुत्र मृत्यु से बचे। आज जब 12 वर्ष पूरे हुए और पुत्र पर काल का घात हुआ, मार्कंडे मंदिर में बैठे थे, रात्रि से ही उन्होंने मृत्युंजय मंत्र की शरण ली। त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्यो वंदनान्मुक्तोर्मुक्षीयमामृतात्। बीजत्रय संपुटित महामृत्युंजय मंत्र चल रहा था, काल किसी भी प्रतीक्षा नहीं करता। यमराज के दूत आए और शयमनि लौट गए। उन्होंने अपने स्वामी यमराज से जाकर के निवेदन किया कि हम मार्कंडे तक नहीं पहुंच पाए। सहसा यमराज ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं जाकर के लाऊंगा। और दंड धर यमराज महिषासुर पर महिषारूढ़ हुआ और मार्कंडे के पास में गए और कज्जल कृष्ण रक्त नेत्र पाशधारी को देखा। सम्मुख ही लिंग मूर्ति से लिपटा हुआ एक अद्भुत अपूर्व हुंकार और मंदिर की दिशाएं प्रचंड प्रकाश हो रहा था, चकाचौंध हो रही थी। शिवलिंग से तेजोमय त्रिनेत्र गंगाधर चंद्रशेखर प्रकट हो गए और उन्होंने त्रिशूल उठा लिया। यमराज से कहा कि तुम मेरे आश्रित को पाश में बांधने के लिए आए हो। यमराज ने डांट पड़ने से पूर्व ही हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, कर्मों के अनुसार जीव को इस लोक में लाने और ले जाने का काम आप करते हैं। प्रभु आप चंद्रशेखर शिव हैं और मैं सैमनी नहीं, अर्थात इसे मैंने लेने के लिए आया हूँ। भगवान शिव ने कहा, मैंने इसे अमरत्व प्रदान कर दिया है, आप यहाँ से वापस लौट जाओ। यमराज खाली हाथ लौट गए। मार्कंडे ने यह देखा, भगवान शिव को प्रणाम कर उन्होंने कहा, उर्वा रुक्म्यो बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात्, अर्थात खरबूजे के समान मृत्यु के बंधन से छुटकारा मुझे अमरत्व प्रदान करें। मंत्र के द्वारा चाहा गया वरदान संपूर्ण रूप से उसी मार्कंडे को प्राप्त हो गया। भाग्यलेख और अमित भगवान आशुतोष के आश्रितों का भाग्यलेख है। भगवान ब्रह्मा भाग्य विधाता स्वयं भगवती पार्वती से कहते हैं कि बावरो रावरो नाह भवानी, मेरे विचार से महामृत्युंजय मंत्र शोक मृत्यु भय अग्नि रोग दोष प्रभाव को कम करता है और पापों को दूर कर देता है। ऐसा भगवान यह जो मृत्युंजय का मंत्र है, जो भी इसका जप करता है या जप करवाता है, उसके संपूर्ण जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। परंतु ज़्यादातर तो यही देखने में आता है कि परिवार में किसी को असाध्य रोग लग गया, अथवा जब किसी बड़ी बीमारी से वह व्यक्ति पड़ा हुआ हो, तब लोग इस मंत्र का जप अनुष्ठान कराते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप अनुष्ठान होने के बाद यदि रोगी जीवित नहीं बचता तो लोग निराश होकर पछताने लगते हैं कि बेकार में इतना पैसा खत्म किया। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि मंत्र का मूल अर्थ तो यही है कि महादेव या तो रोगी को ठीक कर दें या तो रोगी को जीवन मरण से मुक्त कर दें। इच्छानुसार फल नहीं मिलने पर
पछताना या कोसना अच्छी बात नहीं। महामृत्युंजय मंत्र शुद्ध होना चाहिए, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र जपने के बाद 21 बार गायत्री का भी जप करना चाहिए, ताकि महामृत्युंजय मंत्र का अशुद्ध उच्चारण होने पर भी अनिष्ट होने का भय ना रहे। जगत के स्वामी बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। मित्रों, पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता।